सभी का स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लगातार पल पल छोटी बड़ी खबरों के साथ। आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से 3 फरवरी को आपने देखा होगा कि देवसा थाना क्षेत्र के कंतापुरवा में एक लड़की 8 वर्षीय बच्ची गायब होने का रहस्यमय तरीके से एक मामला प्रकरण सामने आया था, जिसकी खबर को प्राथमिकता के तौर पर यूट्यूब चैनल पर चलाई गई थी। और वहीं पर पिता ने रेवसा थाने में तहरीर भी दिया था गायब होने की, जिसकी पुलिस ने एक गुमशुदगी प्राथमिकता के तौर पर दर्ज कर और उसकी तलाश जारी गहनता से जांच पड़ताल कर रही थी। वहीं पर आज मामला कुछ और नज़र आया, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी पुलिस विभागी काफ़ी परेशान थे इस 8 वर्षीय बच्ची को गुमशुदा की लेकर के। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और नज़र आया आज, क्योंकि पिता ही निकला अपनी 8 वर्षीय पुत्री का कातिल और रिश्तों को किया तार तार। जैसा कि बताया जा रहा है कि ये राम कृपाल कंतापुरवा निवासी गत 1 फरवरी 2020 को अपने घर से एक बच्ची गायब होने का एक नाटक करते हुए रेवसा थाने में तहरीर दिया था और उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। वहीं पर इसकी माँ और इसकी एक बड़ी लड़की रामकृपाल की ये बिश्वा गए हुए थे और ये रामकृपाल घर पर था, ये चौहान है, और उसी में दारू के नशे में अपनी लड़की के साथ एक बर्बरता दिखाते हुए रेप कर उसको गड्ढे में, पानी के गड्ढे में घर ही में डाल दिया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। और पुलिस काफ़ी परेशान थी और साथ में पुलिस के साथ साथ ढुलवाने का एक नाटक भी कर रहा था, लेकिन पुलिस स्थानीय थाना प्रभारी के चालक उमा शंकर और स्थानीय पुलिस काफ़ी सूझबूझ से काम लिया और नाजायज किसी को परेशान न करते हुए और वर्जनलिटी दिखाते हुए आखिरकार घर में ही उसके पिता को कड़ाई से पूछताछ की और घर के अंदर से उस लड़की के 8 वर्षीय शव को बरामद कर लिया गड्ढे से, जहां पर और उसके पिता को गिरफ्तार करने के बाद उसने कबूल किया रामकृपाल ने कि हमने रेप करने की बात स्वीकार की और 8 वर्षीय बच्ची अपनी ही बच्ची के साथ, ये पिता है और पिता ने रिश्तों को तार तार कर दिखाया। वहीं पर घटनास्थल पर जांच पड़ताल में था ASP पुलिस अधीक्षक LR कुमार भी पहुंचे अपने हमराही बल के साथ जांच पड़ताल की और आप देख सकते हैं कुछ बातचीत के अंश हैं कि एक किस कदर से घिनौना कार्य पिता ने अपनी पुत्री के साथ किया रेप करने के बाद और साथ छिपाने की भी कोशिश की। ये मामला रेवसा थाना क्षेत्र के कंतापुरवा गांव का है, मजरा रसूलपुर, और 1 फरवरी को ये मिंता देवी लड़की है 8 वर्षीय जो गायब घर से होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी इसके पिता ने, लेकिन खुद ही पिता निकला अपनी पुत्री का कातिल, आप देख सकते हैं। दिनेश वर्मा जिसे रेवसा SC में लगातार उपस्थित हैं ड्यूटी पर, कि कल करीब देर रात 3 फरवरी 2020 दिन सोमवार की रात को आपके रेवसा अस्पताल में एक बच्ची को लाया गया था स्थानीय पुलिस के द्वारा, जो आम एक जनमानस में चर्चा है शव के रूप में, कैसे क्या हुआ था रक्षा? हाँ जी, वही करीब आज रात 1 बजे के करीब में एक बच्ची लाई गई थी मृत अवस्था में पुलिस द्वारा, तो ये पता चला कि ये 2 दिन से गुमशुदी थी, उसमें गायब थी ये। फिर पुलिस द्वारा पूछने पर पता चला कि ये घर में ही शायद रखा हुआ था, और फिर उसके बाद में फीमेल कांस्टेबल ये सब थे, उसको सिर्फ PM के लिए जिला अस्पताल PM हाउस सीतापुर भेज दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ उसके साथ कुछ रेप जैसी कुछ घटनाएं सामने आ रही, एक चर्चा का विषय बना हुआ है? हाँ, जो फीमेल कांस्टेबल वगैरह देखिए, यहाँ कोई फीमेल डॉक्टर था नहीं और ना ही पुलिस ने कोई हॉस्पिटल से कुछ किया, लेकिन फीमेल कांस्टेबल जो थी उन्होंने चेकअप करके ये संदेह व्यक्त किया कि शायद उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, और पूरी पुष्टि तो PM करने होने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा साहब, ये हरकत ऐसी किसके द्वारा की गई है, ये भी तो एक जुबानी चर्चा का विषय बना हुआ। हाँ, जैसा कि पुलिस द्वारा संदेह किया जाता है कि ये शायद उसके पिता के द्वारा ही उसे शायद किया गया है, क्योंकि गुमशुदी उसकी थी और वो भी साथ साथ बता रहे थे कि वो धुलवा रहा था, लेकिन शक हुआ जब पुलिस को तो घर में तलाशी ली गई तो एक गड्ढा था जो उसी में वो उसको गाड़ दिया गया था, ऊपर से मिट्टी डाल दी गई थी, ऐसा पुलिस बता रही। अच्छा,
ऐसा जानकारी आपको हुई है। जी, रवसा का मामला था, एक 8 साल की बच्ची है वो एक तरह से गायब थी, और उसके बाद गांव से 112 में सूचना मिली थी, तो वहाँ मौके पर पहुंचकर उसके बाद मुकदमा लिखा गया था तुरंत। उसके बाद पूरा पुलिस की टीम और गांव वाले वहाँ ढूंढने में और सर्च में लगे हुए थे, सर्च ऑपरेशन के काफ़ी लगातार प्रयास किया था, और गाँव में आसपास में हर जगह पर ढूंढा गया था, नहीं मिला। और फिर उसके बाद ग्यारह से ही पूछताछ और गोपनीय तरीके से जांच करने में ये पता चला, लास्ट में वो लड़की घर पे ही थी और वहाँ से वो गायब हो गई थी। तो फिर इनके पिता को जाकर उनसे भी पूछताछ किया था, तो फिर ये पता चला पिता ने ही खुद लड़की को लगभग 2:30 बजे के आसपास घर पे ले ली थी, तो उसके साथ रेप करने का प्रयास किया और उसके बाद उसको गला दबाकर मार दिया था। और ये उसके बाद उसको ये छुपाने के एविडेंस छुपाने के लिए बगल में उनके घर के अंदर ही एक पानी के निकास का बाथरूम था, उसी के पानी के अंदर डालकर उसको गाड़ दिया था। और इसके अलावा पिता से पूछताछ अभी जारी है और संबंधित सेक्शंस और सारे एविडेंसेस कलेक्ट किया जा रहा है, इसको हाईएस्ट लेवल पर मॉनिटर कर इसको जल्दी जल्दी चार्जशीट सारे एविडेंसेस के तौर पर करके उस पर ट्रायल पर लेकर आएंगे। और पिता को कस्टडी में लिया गया है और इनको संबंधित धाराओं लगाकर इनको चलान किया जाएगा। क्या सर ये